Hello everyone, welcome on Yes Digital. I am Ghanshyam. So मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो. सो आपको भी पता होगा ठीक है कि गेट के एग्जाम के कितने दिन बचे हैं. ओनली 70 to 75 days. तो ये जो अपने दिन होते हैं ठीक है, एक बहुत ही डरावने दिन होते हैं ठीक है, कि इस डर को कैसे दूर किया जाए कि यार इनके मेरा क्या होगा, मेरा गेट में होगा नहीं होगा, मेरा पेपर कैसा होगा ठीक है, मैं कोई प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. अगर मान लो कि शुरू की तुम्हारी बात 3 problem 4 problem अगर हार्ड आ गई तो मुझे कैसे उसको फेस करना है ठीक है. और ये सब चीजें होने के बाद ठीक है, क्योंकि देखो गेट का एग्जाम एक बहुत बड़ा एग्जाम है और वो आपके एक फ्यूचर को डिसाइड करेगा ठीक है. तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ठीक है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को, चाहे वो गेट हो, चाहे वो IIT हो, चाहे IIM हो, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, कुछ भी हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है कॉन्फिडेंस. तो सबसे पहले आपको एक तो कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन रखना है, चाहे कितना ही डिफिकल्ट पेपर हो, कितना ही इजी पेपर हो, कॉन्फिडेंस प्लस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है. एंड ये भी डाउट होगा कि सर हमारे गेट का एग्जाम भी है, सेमेस्टर का एग्जाम भी है, तो दोनों को कैसे बैलेंस करके चलना है ठीक है. तो ये देखो बैलेंस अपन को ही करना है ठीक है, गेट का एग्जाम भी बैलेंस करना है एंड सेमेस्टर एग्जाम भी बैलेंस करना है ठीक है. तो गेट के साथ साथ सेमेस्टर को कैसे मेंटेन करना है ठीक है. तो सेमेस्टर के अंदर आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो ठीक है, तो इतना उसमें के अंदर हेजिटेट होने की जरूरत नहीं कि यार कि सेमेस्टर में क्या होगा ठीक है. तो आराम से आप अपना सेमेस्टर एग्जाम खत्म कीजिए. सेमेस्टर एग्जाम खत्म होने के बाद जो अपने पास रिमेनिंग डे बचेंगे, तो ऑलमोस्ट अपने सेमेस्टर एग्जाम होने के बाद ऑलमोस्ट जो अपने डे बचेंगे 50 to 55 days बचेंगे ठीक है. अब उस 50 to 55 days के अंदर अपन को कैसे अच्छे से प्रिपेयर करना है ठीक है. तो सबसे पहले तो आपको ये डर दूर करना है कि यार कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या नहीं होगा ठीक है. कॉन्फिडेंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अगर लाइफ में आपको अपना गोल गेम करना है ठीक है, सक्सेस अचीव करनी है ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस के बल पे आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन योर माइंड कि कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है ठीक है, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने देना चाहे कैसा भी पेपर है ठीक है. अब ये जो 50 to 55 days बचे हैं उसके अंदर आपको कैसे गेट के लिए प्रिपेयर करना है, तो 50 to 55 days के अंदर ठीक है, देखो अपने जो गेट के अंदर, अब मैं ओनली कंप्यूटर साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ ठीक है. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है, अपन को 4 या 5 subjects अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, 4 या 5 subjects. अब ये बोलोगे सर 4-5 subjects कौन से प्रिपेयर करने ठीक है. तो जो मैंने एक एनालिसिस किया ठीक है 8-9 साल से, जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, तो इसका वेटेज होता है अपना 24 to 25 marks. देन उसके बाद थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कंपाइल डिजाइन, इसका वेटेज होता है अपना 13 to 14 marks. देन उसके बाद आता है हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अलग सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अलग सब्जेक्ट है. दोनों का अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो 20 to 22 marks तुम्हारा हो गया तुम्हारा. देन फोर्थ वन ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया एंड फिफ्थ वन हो गया एप्टीट्यूड. अगर ये 5 subjects भी अपन अच्छे से करते हैं ठीक है, तो अपना जो ओवरऑल वेटेज हो गया वो कितना हो गया 55 to 60 marks ओवरऑल वेटेज ठीक है, सिर्फ 5 subjects वेटेज. अगर इस 60 में से ठीक है, देखो सारे लॉजिकल सब्जेक्ट बताए मैंने, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ रटना पड़ेगा या कुछ बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट अपना ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लॉजिकल सब्जेक्ट है और सीएस आपको पता है पूरी लॉजिक बेस्ड ब्रांच है ठीक है. तो इन 5 subjects को अच्छे से प्रिपेयर कर दो ठीक है. अच्छे से प्रिपेयर करने का मतलब ये है ठीक है, कैसे अच्छे से प्रिपेयर करना है. सबसे पहले तो जो आपको क्लासरूम के अंदर नोट्स पढ़ाए गए उनको रीड करो अच्छे से ठीक है. उसमें क्या डिफिकल्टी आ रही है अपने दोस्त से कंसल्ट करो, दोस्त से नहीं तो किसी फैकल्टी की हेल्प लो ठीक है. फैकल्टी के नंबर आपके पास होते ही है ठीक है, उससे डिस्कस करो. अगर फैकल्टी भी मान लो कि आपकी कोई हेल्प नहीं करें तो डू द गूगल, गूगल करो आप सिर्फ सिंपली, कोई भी चीज आराम से उसमें मिल जाएगी ठीक है. देन उसके बाद गेट की सॉल्व प्रॉब्लम, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी गोल्ड गेट के सोल्ड पेपर है उनको अच्छे से प्रिपेयर करो. जैसे अगर मैं गेट, अगर जैसे इस बार IIT दिल्ली पेपर बना रहा है, तो इस बार जो IIT दिल्ली पेपर बना रहा है ठीक है, तो जो IIT दिल्ली जो फोकस करता है मेनली वो किस सब्जेक्ट पे फोकस करता है, लॉजिकल सब्जेक्ट पे फोकस करता है ठीक है. जैसे IIT दिल्ली ने गेट 2012 में बनाया, गेट 2004 में बनाया, 1998 में बनाया, 1994 में, तो 4 times IIT दिल्ली ने पेपर बना चुका है ठीक है. तो जो मेनली जो फोकस करता है, मेनली जो फोकस करता है वो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे फोकस करता है. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, अपना थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया ठीक है. तो ये जो 4-5 subjects है इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करो. जितनी भी गेट की सोल्व प्रॉब्लम है 1987 से लेके 2019 तक, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो ठीक है. उसको प्रिपेयर करने का मतलब ऐसे नहीं कि उनका आंसर याद नहीं करना, आपको उनको लॉजिकल देखना कि इसमें क्या लॉजिक है, किस प्रॉब्लम को मुझे कैसे अप्रोच करना, कैसे नहीं करना ठीक है. उसके बाद क्लासरूम के नोट्स पढ़े आपने गेट की सोल्व प्रॉब्लम की ठीक है, आपको लगता है कि हाँ यार मैं 80% तक बिल्कुल कॉन्फिडेंट होगी, इजीली मैं पेपर अटेम्प्ट कर लूंगा. उसके बाद जो बचती है एक टेस्ट सीरीज, आपने जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है ठीक है, टेस्ट सीरीज दिए, रोज टेस्ट दीजिए आप, डेली टेस्ट दीजिए डेली ठीक है. एंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्ट सीरीज के अंदर ठीक है, उसको मार्क कर लीजिए कि मेरे को लास्ट के 10 ठीक है, गेट के 10 दिन से पहले जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है उनको अच्छे से रीड करना है ठीक है, उनको देखना कि इसमें क्या लॉजिक है नहीं ठीक है. क्योंकि जहां तक मेरा एनालिसिस है, आपने अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है ठीक है, तो उस टेस्ट सीरीज में 30 to 40% पेपर तो मैच हो ही जाता अपना,
ठीक है, तो टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने से क्या होगा, उसमें बेनिफिट क्या होगा अपना, एक तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा, आपके मार्क्स आएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है यार मैं कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। दूसरा होगा कि आपकी प्रैक्टिस बनेगी, स्पीड बनेगी, एक्यूरेसी बनेगी, ठीक है। तो स्पीड तो मेंटेन करनी करनी है, आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। ऐसे नहीं कि यार कि 10 प्रॉब्लम अटेम्प्ट की 10 में से 8 तो नेगेटिव की, 2 पॉजिटिव की, तो वो तो 2 पॉजिटिव की वो भी बराबर हो गई अपनी, तो उन चीजों को अवॉइड करना है, ठीक है। लास्ट टाइम है स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी, ठीक है, एक साफ सुथरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद बचता है, ठीक है, कि सर गेट अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। गेट क्यों नहीं होगा, पहली बात तो अगर 5 सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, एंड एप्टीट्यूड, 5 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जितनी प्रॉब्लम हो गई आप उनकी लगाइए, जितनी हो चुकी तुम्हारी, ठीक है। अब सर कि मेरा सब्जेक्ट ये मिस हो गया, ठीक है, मिस हो गया छोड़ो उसको, अगर कोई सब्जेक्ट आपने स्किप कर दिया उस सब्जेक्ट को छोड़ो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है, जो आपने किया है अच्छे से कीजिए, जिसको किया आपने उसको अच्छे से कीजिए, प्रॉब्लम्स कीजिए अटेम्प्ट ज्यादा ज्यादा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, दीजिए टेस्ट दीजिए, ठीक है। एंड अब आपको लगता है कि सर मेरा सपोज करो एग्जाम ले लिया मैंने कि सर मेरा आर्किटेक्चर मिस हो गया, ठीक है, आपके पास टाइम है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी सब्जेक्ट आपका स्किप हो गया, मिस हो गया, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे पाइपलाइनिंग हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, उसमें भी जैसे डायरेक्ट मैपिंग हो गया, सेट एसोसिएटिव मैपिंग हो गया, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस सब्जेक्ट को पढ़िए आप अच्छे से, दोस्त से नोट्स रीड कीजिए, किसी फ्रेंड की हेल्प लीजिए, ठीक है, तो उस टाइम के अंदर उस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, आराम से पेपर अटेम्प्ट कीजिए, कॉन्फिडेंस का अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट आपने अगर अच्छे से कर लिए तो डेफिनेटली यू विल गेट ए गुड गेट स्कोर, ठीक है। और बहुत सारे कॉलेज हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि IITs मिलेगा तो ही मेरा प्लेसमेंट होगा, मेरा फ्यूचर डिसाइड होगा, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर आपके IIT में एडमिशन हुआ तो ही आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। टॉप 4 NIT है, बिट्स पिलानी है, IIIT हैदराबाद है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, NSIT है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, दादापुर यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज है, थापर यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो एक गेट स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देती है आपको, ठीक है। तो वरी होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, अच्छे से पेपर दीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद चलो ठीक है, गेट में कुछ अच्छा नहीं हुआ कि उस दिन अपना बेट लगता, तो उसमें भी टेंशन वाली कोई बात नहीं, अगर आपने मेहनत की है, ठीक है। देखो एक बात हमेशा याद रखो, अगर आपने कोई चीज, ठीक है, सच्चे दिल से की तो डेफिनेटली वो आपको मिलेगी मिलेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, डेफिनेटली वो आपके कदमों में एक दिन, ठीक है। देन उसके बाद आता अपना IIIT हैदराबाद, IIIT हैदराबाद, और अगर मैं IIT की बात करूँ तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन IIIT हैदराबाद एंड IIT, ठीक है। तो IIIT हैदराबाद का आपको पेपर का टाइम मिलेगा 2 महीने का टाइम, फरवरी के बाद, फरवरी का पूरा पढ़ा आपका, क्योंकि 2 फरवरी को गेट का एग्जाम फिनिश हो जाएगा, फिर पूरा फरवरी है, पूरा मार्च है, उसके बाद आएगा IIIT हैदराबाद, तो 2 महीने के अंदर आप अच्छे से IIIT हैदराबाद की तैयारी कर सकते हैं। IIIT हैदराबाद में चलो नहीं हुआ तो फिर देन बिट्स मिलानी है, ठीक है। तो गेट, IIIT हैदराबाद और बिट्स मिलानी, इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, अगर इन तीनों के थ्रू आपको अगर कोई कॉलेज मिलता है तो दिस इज वेल एंड गुड, ठीक है। जहां पे आपका एवरेज जो प्लेसमेंट होगा कितना होगा, 13-14 लाख, ठीक है, एक अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी आपको, एक आपका स्टैंडर्ड बनेगा, आपका एक प्लेटफॉर्म बनेगा, ठीक है, ठीक है। एक सबकी एक लाइफ में एक होता है कि यार मेरी एक डिग्री ऐसी है जो दूसरों पे इंप्रेस डाले, ठीक है, तो उस लाइफ को इंप्रेसिव बनाने के लिए आपको एक एमटेक अच्छे कॉलेज से होना चाहिए, और उस एमटेक के लिए आप मेहनत कीजिए, गेट की तैयारी कीजिए, ठीक है। IIIT हैदराबाद हो गया, बिट्स हो गया, तो तीनों में से डेफिनेटली कोई ना कोई तुम्हारा एग्जाम निकलेगा निकलेगा, अगर आपने अगर सच्चे दिल से मेहनत की है और एक कॉन्फिडेंस होकर मेहनत की है। तो पहले मैं आपको मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अंदर की कौन से सब्जेक्ट, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका कि जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पहले अपन उसको डील करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट जो लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके बारे में डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच, सो वेटेज इज 24-25 मार्क्स। तो डेटा स्ट्रक्चर इज अलग पार्ट, ठीक है, एंड एल्गोरिथम इज डिफरेंट पार्ट, तो देर आर 2 पार्ट इन DSA, डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिथम पार्ट, तो इट विल कंटेन 24-25 मार्क्स। तो अगर मैं इस ईयर की बात करूँ गेट 2019 के अंदर, तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का वेटेज था अपना 24 मार्क्स, तो इट इज अ मिनिमम वेटेज, इट इज मिनिमम और अप्रोक्सीमेट वेटेज, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूँ, ठीक है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिजाइन, सो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिजाइन वेटेज इज 16-17 मार्क्स ऑन एवरेज। दिस ईयर ऑल्सो कंपाइलर कंटेंट 7 मार्क्स वेटेज ईयर। एंड थर्ड वन इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो अगर मैं दोनों की बात करूँ, ठीक है, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इन दोनों का जो वेटेज मिला के अपना है 20-22 मार्क्स, ठीक है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वेटेज इज 14-15 मार्क्स एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वेटेज 7-8 मार्क्स ईयर एवरी ईयर, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, लाइक ग्राफ थ्योरी हो गया, अपना लॉजिक हो गया, इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 3 प्रॉब्लम फिक्स अपनी है, फर्स्ट वन प्रोबेबिलिटी, सेकंड वन इज कैलकुलस पार्ट, लाइक वो लिमिट हो सकती है, डिफरेंसिबिलिटी हो सकती है, कैलकुलस हो सकता है,
कंटिन्यूटी हो सकता है, ठीक है। एंड थर्ड इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैट्रिक्स में भी फिक्स है एक प्रॉब्लम कि आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू से एक प्रॉब्लम आनी है, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, जो पिछले साल मैंने पेपर को रिव्यू किया तो पता लगा मेरे को, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी से प्रॉब्लम है, लिमिट कंटिन्यूटी से प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड मैट्रिक्स में भी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से प्रॉब्लम है, तो उस पे अपन को ज्यादा फोकस देना, ठीक है। एंड फोर्थ वन ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है इसके अंदर होता है सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो अगर जैसे गेट 2013 की बात करूं जो कि IIT मुंबई ने बनाया था, तो उसके अंदर सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन है, और सिंक्रोनाइजेशन भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीमाफोर, तो आप फोकस कीजिए सीमाफोर पे, सीमाफोर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको कीजिए अच्छे से, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन की कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, बाउंडेड वेट निकालना है, प्रोग्रेस निकालनी है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन निकालना है, कैसे निकालना है, तो जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम कीजिए, ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम्स, देन उसके बाद सीपीयू शेड्यूलिंग हो गया, देन मेमोरी हो गया, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम में। एप्टीट्यूड आपको पता है, ठीक है, एंड TOC के अंदर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तुम्हारा, तो 70% जो प्रॉब्लम होती है TOC के अंदर वो आती है अपने किससे, रेगुलर लैंग्वेज से, कि रेगुलर लैंग्वेज है कोई भी DFA, उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होगी, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है, किसी कोई लैंग्वेज रेगुलर है, नॉन रेगुलर है, CFL है, कौन सा लैंग्वेज रिकॉग्नाइजेशन लाइक, ठीक है। कंपाइलर डिजाइन के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक प्रॉब्लम जो फिक्स है वह है फर्स्ट एंड फॉलो कॉन्सेप्ट से आनी या नहीं है, ठीक है। सेकंड जो प्रॉब्लम है पार्सिंग हो गया, जैसे LL1 पार्सिंग हो गई, SLR, CLR, ठीक है। तो पार्सिंग एंड फर्स्ट एंड फॉलो से ये दो प्रॉब्लम तो अपनी डेफिनेटली आनी आनी, ठीक है। एंड कंपाइलर डिजाइन के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी एड हुआ जस्ट ईयर, लाइक स्टैटिक असाइनमेंट फॉर्म, स्टैटिक असाइनमेंट फॉर्म, ठीक है, सिंगल स्टैटिक असाइनमेंट फॉर्म, तो इससे भी एक प्रॉब्लम फिक्स है, ठीक है। लगातार 3-4 साल से लगातार इस टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है अपनी, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, ठीक है, कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर से हमको क्लियर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपना कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है, एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है कि कम टाइम के अंदर, ठीक है, अब अपने पास अप्रोक्सीमेट 70 to 72 days बचे हैं, ठीक है, उसके अंदर अपन को टारगेट लाना है कि मैं कैसे IIT में जाऊँ, कैसे NIT हो गया, या मैनेजमेंट वाले नीट मुंबई IIM, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, और अगर मैं बाहर अप्लाई करना मेरे को लाइक नेशनल सिंगापुर यूनिवर्सिटी हो गया, नेशनल टैंग यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, बहुत सारे सिंगापुर हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, ठीक है, सबसे पहले मेरे को ये 5 सब्जेक्ट करने हैं, कौन से, DSA, TOC, CD, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट भी अगर आपने कर लिए अच्छे से, ठीक है, अगर मैं इन 4 सब्जेक्ट का वेटेज देखूं, अगर थ्रू आउट में अगर 8-9 साल से अगर इनका एवरेज देखूं, तो इनका एवरेज अपना 50 to 55 marks, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट की मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट इसलिए कह रहा कि नहीं पढ़ने, ठीक है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, इनको क्लियर करो, देन उसके बाद ट्राई करो एप्टीट्यूड, ठीक है, देन उसके बाद डिजिटल, देन डेटाबेस मैनेजमेंट। अब डेटाबेस मैनेजमेंट में भी दिक्कत आती है, क्या डेटाबेस में क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, लाइक 1NF फॉर्म, 2NF फॉर्म, 3NF फॉर्म, BCNF, ठीक है, देन उसके बाद इंडेक्सिंग, इंडेक्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट है B3 and B+3, ठीक है। तो कोई सब्जेक्ट कवर नहीं हो रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक मिनिमम टाइम के अंदर कोई चीजें होती है जो अपने से मिस हो जाती है, ठीक है, एक कोई कॉन्सेप्ट अपना क्लियर नहीं होता, ठीक है, तो उसमें वरी होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है, ठीक है, उसको पहले से करो, और जिस सब्जेक्ट में मान लो कि कोई सब्जेक्ट है तुम्हारा लाइक कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूँ कि मान लो कि आपने स्किप कर दिया या मिस कर दिया कि क्लासेस नहीं लिया, कोई भी रीजन से तुम्हारा मिस हो गया, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे यहाँ पे जैसे पाइपलाइनिंग हो गया, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कैसे पाइपलाइनिंग, तो पाइपलाइनिंग से एवरी ईयर 3 to 4 marks की प्रॉब्लम कवर होती है अपनी, ठीक है। एंड उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट में भी सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइक मैपिंग टेक्निक हो गया, डायरेक्ट मैपिंग हो गया, सेट एसोसिएटिव होगा, ठीक है, तो 2-3 marks की प्रॉब्लम यहाँ से होगी तुम्हारी, ठीक है। तो दोनों टॉपिक अपन इजीली 5 to 6 days में कवर कर सकते हैं, 5 to 6 days में दोनों टॉपिक कवर हो सकते हैं तुम्हारे। तो कोई सब्जेक्ट, मेरा कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल ओवरव्यू क्या है मेरा, कोई सब्जेक्ट अगर आपका मिस हो गया, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट के अंदर पूरा सब्जेक्ट बचने के बजाय, पढ़ने की बजाय, उसमें वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, थ्रू आउट पेपर देखो, उसके बाद उस सब्जेक्ट के बारे में सोचो। तो 70 days के अंदर टारगेट अपना IIT, तो 70 days के अंदर टारगेट IIT कैसे अचीव होगा अपना, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वन सब्जेक्ट को अच्छे से करो, ठीक है। उसके बाद अगर आपका टाइम बचता है देन गो फॉर द डिजिटल, गो फॉर द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, आफ्टर दैट DBMS एंड द कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट हो गया, पेपर भी क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो एक फेस अपन, एक जो डिफिकल्टी वाला फेस अपन फेस करते हैं, तो वो क्या होता है अपना कि यार IIT कितने मार्क्स पे मिलेगा, NIT कितने मार्क्स पे मिलेगा, कोई कॉलेज कितने मार्क्स मिलेगा। तो अगर मैं IIT की बात करूँ, ठीक है, तो IIT के अंदर अगर आपने 55+ marks है तुम्हारा, ठीक है, 1-2 साल छोड़ दो, ठीक है, जैसे गेट 2019 का पेपर बहुत ईजी था, गेट 2012 जो IIT दिल्ली ने बनाया था, गेट 2019
जो अपना आईआईटी मद्रास ने बनाया था, अगर एक दो पेपर की बात छोड़ दो ठीक है, तो ऑन ऑन एवरेज अगर आपके 55 प्लस मार्क्स हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट आईआईटी ठीक है। एंड उसमें आईआईटी दिल्ली, मुंबई, खड़गपुर, कानपुर, देयर आर सो मेनी आईआईटीज ठीक है। अगर मैं न्यू आईआईटीज की बात करूँ ठीक है, कई बार सर ये भी डाउट होता है कि सर कि मेरे को न्यू आईआईटी मिल रहा है, मेरे को आईआईटी में जाना चाहिए या मेरे को एनआईटी में जाना चाहिए या फिर मेरे को दूसरा कॉलेज रेफर करना चाहिए ठीक है। तो अगर मैं न्यू आईआईटी की बात करूँ ठीक है, जैसे आईआईटी पटना ठीक है, आईआईटी हैदराबाद, तो इन न्यू आईआईटी के अंदर ठीक है, दोनों आईआईटी जो बेस्ट वन आईआईटी, आईआईटी पटना एंड आईआईटी हैदराबाद ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं आईआईटी के लिए बात करूं तो 55 प्लस मार्क्स अगर है आपके गेट के अंदर तो डेफिनेटली अपन आईआईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और डेफिनेटली किसी न किसी आईआईटी में अपन एडमिशन हो जाएगा अपना ठीक है। तो देन आईआईटी के लिए 55 प्लस मार्क्स ठीक है। अब बात करते हैं एनआईटी के ठीक है, टॉप फोर एनआईटी ठीक है, दिस टॉप फोर एनआईटी आल्सो इक्विवेलेंट टू आईआईटी आल्सो, तो जैसे एनआईटी वारंगल हो गया, एनआईटी सूरत का हो गया, एनआईटी कैलिकट हो गया, एनआईटी त्रिची हो गया ठीक है। तो दीज आईआईटी दीज आर टॉप फोर एनआईटी, तो अगर 45 प्लस मार्क्स हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट दीज फोर एनआईटीज एंड फिफ्थ वन इज एनआईटी इलाहाबाद आल्सो मैनिट। इसके अलावा नीटी मुंबई इज द बेस्ट, तो इज ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्री इंजीनियरिंग मुंबई ठीक है। तो नीटी मुंबई के लिए अगर मैं बात करूँ ठीक है, तो ये अगर अप्रोक्सीमेट गेट रैंक अगर 1200 और 1300 है तुम्हारा ठीक है, तो दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू एंड जी डी ग्रुप डिस्कशन ठीक है। तो जो 70% वेटेज है नीटी मुंबई में इज गेट स्कोर एंड 30% वेटेज इज द जी डी पी आई, उसके बाद नीटी मुंबई के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो ठीक है। जैसे आई एम इंदौर ठीक है, इसने फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है ठीक है, तो इसमें काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। अगर मैं अगर फॉरेन की बात करूँ ठीक है, जैसे नेशनल सिंगापुर यूनिवर्सिटी हो गया, नेशनल टायांग यूनिवर्सिटी हो गया, तो अगर इसके अंदर गेट स्कोर अपना अगर 95% के अप्रोक्सीमेट, 95% मीन्स लाइक अगर रैंक अपने 2000 या फिर 2500 के अप्रोक्स है ठीक है, देन इजीली अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ठीक है इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर। ये तो अपना गेट के बारे में ठीक है कि क्या है क्या नहीं है तुम्हारा। तो अगर मैं अगर आईआईटीज के प्लेसमेंट की बात करूँ ठीक है, तो आईआईटी का जो एवरेज प्लेसमेंट है तुम्हारा 16-17 लाख पर एनम, और आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए ठीक है कोई भी कॉलेज हो, कोई भी आईआईटी एनआईटी हो ठीक है, इट इज ए वंडरफुल ब्रांच। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर देर आर सो मेनी कंपनी लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अडोबी ठीक है, गूगल, याहू, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ईबे, देर आर सो मेनी कंपनीज ठीक है आईआईटी के अंदर। एंड सेकंड वन इज एनआईटी ठीक है, एवरेज पैकेज इज 14-15 लाख, नीटी मुंबई पैकेज इज 20-22 लाख पर एनम, और आईएम इंदौर है ठीक है, तो आईएम के बारे में तो आप जानते हो सब लोग ठीक है। तो इट्स ए ओवरव्यू अबाउट कि कितना कौन सा सब्जेक्ट पढ़ू, आईआईटी के लिए कितने मार्क्स चाहिए, एनआईटी के लिए कितने मार्क्स चाहिए, एनआईटी के लिए, नीटी के लिए ठीक है। तो नीटी फॉलो जीडी एंड पीआई डिस्कशन ठीक है। एंड अब इसके बाद जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है अपनी, वो क्या है कि सर गेट क्लियर नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर मेरा गेट क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा ठीक है। कोई बात नहीं, गेट क्लियर नहीं हुआ ठीक है, नो इशू। देन उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम आते हैं अपने गेट के बाद, वो आता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद एंड बिट्स पिलानी, तो अगर ट्रिपल आईटी हैदराबाद की मैं बात करूँ ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन आता है अपना फरवरी के अंदर, एंड जो एग्जाम होता है वो होता है अप्रैल के सेकंड वीक या थर्ड वीक के अंदर। तो ट्रिपल आईटी अगर हैदराबाद की मैं बात करूँ ठीक है, तो इट्स अ हब ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो इसे एवरेज पैकेज इज 20-20 लाख एनम। जैसे अब इस बार मैं बताऊँ ठीक है, इस बार एप्पल ने विजिट किया था, तो सबसे पहले इंडिया के अंदर एप्पल ठीक है जो आईफोन बनाती है अपनी, तो सबसे पहले इसने कहाँ विजिट किया था, ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर एक अलग से सेपरेट पेपर होता तुम्हारा गेट के अलावा, गेट से ये एडमिट नहीं लेता ठीक है। देन उसके बाद एक इंटरव्यू होता तुम्हारा ठीक है, इसे बेसिक इंटरव्यू, तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं ठीक है। तो बहुत सारी कंपनी आती है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर, और एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है तुम्हारा, आल्सो इक्विवेलेंट टू आईआईटी ठीक है। देन उसके बाद आता बिट्स पिलानी ठीक है। तो इसका जो नोटिफिकेशन निकलता है अपना मार्च में निकलता है, एंड जो एग्जाम होता है वो तुम्हारा मई के फेस ट्रिक में, फर्स्ट वीक ऑफ मई, एंड सिलेबस दोनों के लिए सेम है ठीक है। जो सिलेबस गेट के लिए है वही सिलेबस तुम्हारा किसके लिए, ट्रिपल आईटी हैदराबाद एंड बिट्स पिलानी के लिए। अब ट्रिपल आईटी हैदराबाद की मैं बात करूँ, जो सबसे मेन फोकस डालते हैं वो डीएसए, डेटा साइंस एल्गोरिथम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, इन तीनों सब्जेक्ट का वेटेज अपने ट्रिपल आईटी हैदराबाद में रहता है ऑलमोस्ट 82-85% ठीक है इनका वेटेज। एंड बाकी अदर का वेटेज लाइक सी प्रोग्रामिंग हो गया ठीक है, इंग्लिश हो गया ठीक है। तो देर आर टू पेपर ठीक है, देर आर टू सेपरेट पेपर, तो सेकंड पेपर आपको तभी चेक होगा जब फर्स्ट पेपर में आप क्वालिफाई करोगे ठीक है, ये आप एक टर्म्स कंडीशन होती है ठीक है। लेकिन
अगर आपने गेट की पेपर अच्छे से किए तो डेफिनेटली आपका ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है बिट्स पिलानी, देन इसके बाद बिट्स पिलानी, देर आर थ्री कैंपस इन बिट्स पिलानी, लाइक बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद एंड बिट्स पिलानी ऑल्सो। सो देर आर थ्री कैंपस इन फॉर बिट्स पिलानी, हैदराबाद एंड गोवा। तो बिट्स पिलानी के लिए भी सेम सिलेबस अपना सेम, ठीक है। एंड जो इसके अंदर प्रॉब्लम आती है वो बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम आती है, ठीक है। बेसिक मतलब एक डेप्थ नॉलेज होना चाहिए आपको सब्जेक्ट के बारे में। तो डेप्थ नॉलेज के लिए क्या है तुम्हारा, ठीक है, वही क्लासरूम नोट्स, गेट की प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो मतलब इन तीनों एग्जाम्स का जो जो पैटर्न होता है अपना वो क्या होता है, एक तरीके से सेम होता है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, अच्छे से तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।